नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज को लेकर। एक प्रॉब्लम है कि प्राइवेट एग्रीकल्चर स्टूडेंट एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो देखिए, इसमें कमेंट का सभी का तो हम आंसर दे नहीं सकते। कुछ लोग कुछ अलग अलग तरीके के कमेंट करने लगते हैं। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, फिलिंग द ICAR कोटा सीट ऑफ PG प्रोग्राम इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज थ्रू NTA एंट्रेंस एग्जाम विल नॉट बी अलाउड नॉन एक्रीडिएटेड प्रोग्राम। अर्थात कहने का मतलब, ऐसा प्रोग्राम जो कि मान्यता प्राप्त तो नहीं है, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब आपका कॉलेज, देखिए प्राइवेट और कहेंगे कॉलेज ऐसा कि जो खुद का उसका मैनेजमेंट होता है, और लेकिन उसकी जो डिग्री होगी, कहेंगे कि वो कॉलेज या उसका जो अगर एग्रीकल्चर का है या साइंस है, तो वो मान्यता प्राप्त होता है, किसी न किसी से वो मान्यता प्राप्त होता है। अगर वो मान्यता प्राप्त है अर्थात एक्रीडिएटेड है तो एलिजिबल हैं। अगर ऐसा हुआ जैसे मैं अभी एक कोई कॉलेज का नाम दे दूं और मुझे किसी भी प्रकार की कोई मान्यता न मिली हो और मैं डिग्री बस बांटता चलूं, तो ऐसे कॉलेज जो प्राइवेट होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि नॉन एक्रीडिएटेड अर्थात कोई भी मान्यता प्राप्त, जैसे कि आपका ICAR से मान्यता प्राप्त हो सकता है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, जनरली ये कॉलेज को तो नहीं देते हैं, और UGC से भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका जो कॉलेज हो वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो अर्थात अटैच हो एक तरीके से, और वो UGC से मान्यता प्राप्त हो। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए अभी इसमें और दिया गया है, कहेंगे कि कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट फॉर द एडमिशन ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई NTA ओनली द कैंडिडेट हैविंग पासेज ग्रेजुएशन विथ 4 या 6। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कॉलेज दे रहा है वो भी 4 या 6 में दे रहा होगा, और अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब अगर जिसका BSc AG अगर 4 साल से कम है फिर वो तो एलिजिबल नहीं होगा। मिनिमम 4 साल का होता है BSc AG, तो 4 साल का होना चाहिए। और कहेंगे कि प्रोग्राम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल। देखिए इसमें लिख रहे हैं एनी रिकॉग्नाइज अर्थात किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपका 4 वर्ष का BSc AG है तो आप एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट पास आउट फ्रॉम प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कॉलेज नॉट एक्रीडिएटेड बाय ICAR विल नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन थ्रू द एग्जामिनेशन। देखिए इसमें इन्होंने कई चीज़ें कह दी। एक तो यहाँ ऊपर सीधा कह रहे हैं कि जो नॉन एक्रीडिएटेड हैं उनको नहीं होगा एडमिशन, उनको अलाउ नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने यहाँ कर दिया है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो भी हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। या अगर आपका इसका मतलब नॉन एक्रीडिएटेड का मीन्स ये भी हो गया कि जो एक्रीडिएटेड प्रोग्राम हैं या कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब वही हो गया कि जो भी आपके कॉलेज, आप पता कर लीजिए, अगर कोई आपका प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज है तो उसको पता कीजिए कि इसको किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है कि नहीं। UGC के द्वारा हो सकता है, या जैसे एक NAC होता है और अदर भी हैं जिनके द्वारा अगर वो मान्यता प्राप्त है तो 100% आप फॉर्म फिलअप कीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना है। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में अच्छे आते हैं तो फिर अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो फिर वो दूसरी बात है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी होती है वो जनरली जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, वो प्राइवेट हो या सरकारी, उससे नहीं मतलब होता। वो कॉलेज एग्रीकल्चर इन्होंने कहेंगे कि स्टूडेंट को वो लेती नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा एक केस जानता हूँ TNU जिसने नहीं लिया था और IRI ले लेता है। यही चीज़ है, जैसे नॉर्थ इंडियन जो यूनिवर्सिटी है या IRI है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कॉलेज को लेने के नहीं तैयार होते हैं, वो कॉलेज के स्टूडेंट को नहीं लेते। वो बस यूनिवर्सिटी जैसे CSA या NDA यूनिवर्सिटी अगर रहेगी तो यहाँ से आपको ले लेंगे, लेकिन अगर कॉलेज के हैं तो उनसे उनको नहीं लेते हैं। ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि नहीं लेते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पूरा सार यही है कि जो भी हैं सभी आप पहले तो अप्लाई कीजिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज से हों। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे हैं कि वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगे, जो यूनिवर्सिटी आपका UGC या अदर किसी से मान्यता प्राप्त होगी, और आपका जो कोर्स होगा वो भी मान्यता प्राप्त होगा, किसी न किसी से वो मान्यता प्राप्त ज़रूर होगा, क्योंकि कोई ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो एलिजिबल, फिर वो डिग्री एलिजिबल होती ही नहीं है अगर मान्यता प्राप्त नहीं। वैसे तो फिर कोई ना कोई सभी लोग कॉलेज का नाम दे के अपना खोल के बैठ जाएँ।
तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो फॉर्म 100% दे दीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए, ये टेंशन ना लेके कि प्राइवेट कॉलेज के हमारे एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पहले वहाँ तक पहुँचिए। और उम्मीद है कि अब आप सभी समझ गए होंगे। देखिए इसमें कई चीज़ें लिखी हैं, अब इसमें ये लिखा है प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कॉलेज नॉट एक्रीडिएटेड, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, अब अगर वो ICAR से नहीं है, UGC है, तो क्या वो UGC से नहीं देंगे? देंगे क्यों नहीं देंगे? अगर कोई UGC से मान्यता प्राप्त है कोई एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो उसको तो देना ही देना पड़ेगा एडमिशन। अगर नहीं देंगे तो फिर उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से भी मिलेगा। हालांकि देते हैं, ये मैं जानता हूँ, देते हैं, काफ़ी मेरे साथ के हैं जो कॉलेज से ही हैं और उन्होंने IRI में उनका एडमिशन हुआ है MSc AG के लिए, PhD के लिए, और उसके बाद वो आज ARS भी हैं, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के हों या गवर्नमेंट, सभी आसानी से दे। हाँ, साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कहेंगे कि वो प्रिफर नहीं करती हैं, वो लेती नहीं हैं।